मुल्क में महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं दे रहा। गंदुम के आटे की कीमत में इजाफा हो गया है और कराची में 10 किलो आटे की 700 रुपए तक फरोख्त होने लगी है। लाहौर में आटा 70 रुपए किलो बेचने का ऐलान कर दिया गया है। मुल्क भर में आटे की कीमत 64 रुपए से बढ़कर 70 रुपए फी किलो हो गई है। कराची में 10 किलो आटे का थैला 700 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। पंजाब में चक्की मालिकान ने आटे की कीमत में 6 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। चक्की मालिकान ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसका इतलाक आज से होगा। 5 माह में 10 किलो आटा 250 रुपए तक महंगा हुआ है। चक्की ऑनर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने हमें कोई रिलीफ नहीं दिया। हुकूमत अगर फ्लावर मिल्स की तरह सब्सिडी देगी तो कीमत कम कर देंगे। एक साल में आटे की कीमत में चौथी मर्तबा इजाफा किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क भर में जारी आटा और गंदुम बहरान के खात्मे के लिए 3 लाख टन गंदुम दरामद करने की असूली मंजूरी दे दी है। गंदुम की इंपोर्ट पर आए 60% रेगुलेटरी ड्यूटी की छूट भी दे दी गई है। यह मंजूरी वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी मखदूम खुसरू बख्तियार और तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जहांगीर तरीन की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास की सिफारिशात पर दी गई है।